एक टाइम था जब तुम अहाना को इस घर से निकालना चाहते थे, डैड की जिंदगी से निकालना चाहते थे। अब तो तुम अहाना के साथ छुट्टियां मना रहे हो। बेटा अब यही ठीक होगा, और वैसे भी लैला जी इस परिवार का हिस्सा है और उनके लिए जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब वो हमारे घर पे ही रहे। अहाना जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry. सॉरी मत बोलो, क्योंकि मैं सॉरी नहीं हूँ। कि एक रात उन सब रातों का दर्द कम नहीं कर सकती, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ये मान लेना कि सब कुछ ठीक है मुझसे नहीं होगा। सीख लिया अकेले रहना, और अब अकेले सोने की आदत भी पड़ गई। तभी किसी ने सोचा था वो रेहान जो तुमसे इतनी नफरत करता था आज तुम्हारा इतना खास दोस्त बन जाएगा। तुम्हारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल गया। रेहान कैसे? ठीक है। यामिनी जी को कहा मैंने कि क्रोसिन दे देने, डॉक्टर से भी बात होगी, बस वो एक दो घंटे में आ जाएंगे, इंजेक्शन देंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। नथिंग टू वरी। ये लो। पेन एंड पेपर क्यों? मेहमानों की लिस्ट लिखने के लिए। मेहमान किस लिए? लैला जी का बर्थडे आ रहा है और उनकी तबीयत भी अभी ठीक हो रही है। मैंने सोचा इससे बेटर मौका क्या हो सकता है कि लैला जी के लिए हम एक पार्टी करें। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने केटरर से बात कर ली है, तुम भी लिस्ट देख लेना, अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है या कुछ निकालना है बस मुझे कह देना। थैंक यू अनंत। थैंक यू। बाय। थैंक यू क्योंकि तुम मॉम के बारे में इतना सोचते हो। उनका बर्थडे आ रहा है, उसके लिए पार्टी, ये सब सोचा तुमने। लेकिन अनंत, मैं नहीं चाहती कि ये पार्टी हो, क्योंकि मैं एक झूठी मुस्कुराहट लेकर दुनिया के सामने ये नहीं दिखा सकती कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक नहीं हूं, और तुम भी जानते हो कि हम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तो ये झूठा दिखावा दिखाना कि मैं ठीक हूं, सब ठीक है, हम खुश हैं, ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज। एंड आई रियली होप कि जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो तुम समझ पा रहे हो। अनंत, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसमें मेरा मन नहीं मानता। मन को मार के अब मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने जिंदगी में पहले ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं, मन को मारा है, बेमन किया है, और उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए अब मैं वही करूंगी जिसमें मेरे दिल को खुशी मिले। मैं समझ सकता हूँ आलम, और ठीक कह रही हो तुम, तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हें खुशी मिले, जो तुम्हारा दिल कहे। तो ठीक है, पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ डिनर पे तो चल सकती हो ना? तो ठीक है, फिर हम डिनर पे चलेंगे, तुम्हारी फेवरेट जगह, लाइक ऑल टाइम। रिहान आओ, कैसा लग रहा? बेटर पहले से। आओ, लेट मी चेक यू। हाँ, बुखार तो अब कम है। कम सिट, बैठो।
एक्चुअली अच्छा हो गया तुम आ गए, मैं तुमसे ही बात करना चाह रहा था। समझ में नहीं आ रहा कि ये बात तुमसे करूं कि नहीं करूं, बट मैं आना को लेकर बहुत परेशान हो गया। पिछले कुछ दिनों से जब से वो गोवा से आई है, मैं वो पुरानी आहना को ढूंढ रहा हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब हो रहा हूँ। इस आहना में मुझे वो पहली वाली आहना नजर ही नहीं आ रही है। सब कोशिश कर ली लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिन उसके लिए ठीक नहीं थे, बहुत तकलीफ में गुजरे, लेकिन इस तरह चुप हो जाना, तुम उसके साथ थे ना, क्या तुम्हें उसने कुछ बताया? देखो रेहान, अगर सच छुपाकर तुम आहना की मदद करना चाह रहे हो तो ये बात गलत होगी। मुझे उसके बारे में जानने का पूरा हक है। प्लीज रेहान, अगर कुछ बात है तो मुझे प्लीज बताओ। आहना, जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry. सॉरी मत बोलो, क्योंकि मैं सॉरी नहीं हूँ। एम, क्या बात है रेहान, प्लीज। एम, एक बार जब मैं घर पे था, आहना कहीं दिखी नहीं। आहना? आहना? जी भी तो किसके लिए, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, क्योंकि को मेरी जरूरत ही नहीं। रेहान, ये एंटी डिप्रेसेंट्स है। तुमने मुझे जो भी बातें बताई, आहना के मॉम का एक्सीडेंट, ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। किस तरह? आहना को अपनी जिंदगी बोझ लग रही है। आहना बाहर निकलो। आहना, आहना, ओपन द डोर। आहना, दरवाजा खोलो। वो सुसाइड करना चाहती थी। I can't believe you, रेहान। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं उसका पति हूं रेहान, उसकी हर खुशी, उसका हर गम, उसकी हर तकलीफ के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। How could you, रेहान? तुम ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? वो इतनी परेशान थी कि अगर उस वक्त मैं आपको या किसी और को बताने की कोशिश करता तो वो और परेशान हो जाती, और उस वक्त वो बहुत बहुत वल्नरेबल थी। I'm sorry, इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे? एक महीने का टाइम लिया था, मुझे लगा ये महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वक्त दे रहा था इस रिलेशनशिप को। हम आपके लिए आपकी फेवरेट पेस्ट्री। रिपोर्ट्स आ गए? क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? यही कि पूरी तरह ठीक होने में अभी वक्त है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। हालात के बावजूद खुद को बेहतर महसूस करने की कोशिश करूंगी, जो जाहिर है तुम नहीं कर रहे। क्या मतलब? कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी आहना? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि अनंत इतने अच्छे इंसान है? आहना, सिर्फ तुम्हारी माँ को तकलीफ ना हो इसलिए वो मुझे घर ले आए। मेरे हॉस्पिटल्स के सारे बिल्स उन्होंने चुकाए। वरना गुप्ता का बस चलता तो आज मैं रस्ते पर हूं। अनंत की कोशिश मुझे नजर आ रही है आहना, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई कोशिश नजर नहीं आती। मॉम, अनंत मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे आहना, लेकिन अफसोस अब वो नहीं होगा।
वजह तो नहीं बताई मुझे उन्होंने, लेकिन मैं अगर अच्छी तरह से जानती हूं तो तुम ही ने मना किया होगा। और अब क्योंकि गलती हो चुकी है तुमसे, मेरा मन बहलाने के लिए एक ब्राउनी लाई हो ताकि मैं इसे खाकर सोचूं कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। मॉम ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है भे? जब तुम इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी तब अनंत तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, आज अनंत कोशिश कर रहा है और तुम उसका साथ नहीं दे रहे। क्या है ये सब आना? ऐसे चलते हैं रिश्ते? रिश्ते कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते, मुझे जिंदगी कैसी जीनी चाहिए नहीं जीनी चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे मुझे नहीं बात करनी मॉम, प्लीज मॉम। मेरा दिल मौका देके फैसला नहीं करता, मेरे दिल में बहुत दर्द सा है, मुझे वक्त चाहिए। सलाने सही कह रहे, वक्त, जिंदगी की कड़वाहट मिटने को वक्त जरूर लगेगा, लेकिन तब तक क्या करोगे तुम आना? तुमने हिप्नोसिस में जिसने देखा वो हाना थी ना? एंड एनीवेज सच तो मैं जानती हूँ, मुझे रिचा ने सब बता दिया। हिप्नोसिस में तुमने आहाना को देखा था ना रेहान? हाँ, मैंने हिप्नोसिस में आहाना को देखा था। मुझे सच नहीं पता था रेहान, रिचा ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर एटलीस्ट तुमने खुद सच कबूल कर लिया। क्या कर रही होगी? हाय, वो रेहान अपना कुछ सामान भुलाया था, वही लौटाने। असल में रेहान इतनी हड़बड़ी में मुझे और मेरे घर को छोड़कर निकल गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितना कुछ अपना पीछे छोड़ाया है। रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद कमरे में आराम कर रहा है, तो तुम चाहो तो ये सामान यहाँ पे रख दूँ, मैं भिजवा दूंगी। क्यों? मैं खुद यहाँ आई हूँ तो मैं खुद ही उसे ये सामान वापस करूँगी। व्योमा, तुमने शायद से सुना नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रहा है। तुम्हारी बात सुनता कौन है आना? रेहान तो नहीं। एनीवे, मुझे रेहान से मिलना है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो भी मुझसे जरूर मिलेगा। ऊपर वाला कमरा पहला। आई नो। योमा, आओ बैठो। कैसे हो तुम? ठीक नहीं हूँ। ठीक तो मैं भी नहीं हूँ रेहान, तुमने मुझे छोड़ा, मेरे घर को छोड़ दिया, हमारे इस रिश्ते को तोड़ दिया तुमने। But you know what? तुमसे नाराज होने के बजाय मैं तुम्हें और ज्यादा मिस करने लगी हूँ। मैं तुम्हें नहीं भुला पा रही हूँ रेहान। I'm sorry, but it's... ना तो ये सही टाइम है और ना ये सही जगह, और मैंने अभी तुम्हें बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या है? तो कौन सा वक्त सही होगा रेहान? तुम्हारे पास वक्त होता कभी मेरे लिए? हाँ, कभी कभी बीमारी का बहाना बना लेते हो, कभी कभी वक्त अच्छा नहीं है, और कभी गोवा चले जाते हो अपनी आंटी के साथ। हाँ, हेम की बीवी तुम्हारी आंटी लगी ना? Oh my God. तुम्हें अपने अपने अलावा ना किसी और की परवाह है, ना कोई और दिखाई देता है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना रेहान, इतने सेल्फिश हो जाओगे, ये मुझे सोचकर भी हैरानी हो रही है। फिर प्लीज, तुम ये सब बकवास करने से पहले अपना ना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो प्लीज। तुम आरा के बारे में ये सब कैसे,
इस वक्त आहना की जिंदगी में उसे उसे एक सिर्फ दोस्त की जरूरत है और वो दोस्त मैं हूँ। देखो रेहान, हमारे बीच में जो भी था वो अब नहीं है, लेकिन उस रिश्ते की इतनी तो कदर करो कि मुझसे झूठ मत बोलो यार। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने हिप्नोसिस में जिसने देखा वो आहना थी ना? बोलो रेहान। शिवा, अभी प्लीज यहां से चले जाओ। बिना सच जाने तो मैं नहीं जाऊंगी यहां से, ओके? एनीवे सच तो मैं जानती हूं, मुझे रिचा ने सब बता दिया। पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं, हिप्नोसिस में तुमने आहना को देखा था ना रेहान? हाँ, कम ऑन मैन, स्पीक अप। तुमने सच सुनी लिया तो मेरे मुंह से भी सुन लो। हाँ, मैंने हिप्नोसिस में आहना को देखा था। आहना ही मुझे दिखी थी। अब तुम खुश हो? Are you happy? I'm sorry. मुझे सच नहीं पता था रेहान, रिचा ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर एटलीस्ट तुमने खुद सच कबूल कर लिया। क्या कर रही होगी? व्योमा, तुम्हें झगड़ना है प्लीज झगड़ो, लेकिन रेहान ने बोला अभी समय सही नहीं है, सो प्लीज इस वक्त घर से बाहर जाओ प्लीज। रेहान, मैं तुमसे मिलने आई हूं, ये कौन होती है मुझे यहां से जाने के लिए कहने वाली? हाँ, वो भी तुम्हारे रूम से। What do you want? हाँ, मैं रुकूं या जाऊं? Unbelievable. Brilliant, you guys, brilliant. गलतफहमियां जो हमारे बीच हुई हैं तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि तुम खुदकुशी के बारे में सोचोगी और कोशिश करोगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आना, मेरी मजबूरी थी, मैंने एम को सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता? जाके क्या बोलेगी? अनंत से क्या कहेगी कि गलती से तूने आना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से मैं तुमसे माफी मांगूं। अनजाने में मैंने जो तुम्हें दर्द दिया है, मैं जानता हूं कि माफी मांगने से वो कम नहीं होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि गलत फहमियां जो हमारे बीच हुई हैं तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि तुम खुदकुशी के बारे में सोचोगी और कोशिश करोगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm really sorry. Anand, please let it be. नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम को जब पता चलेगा कि तुम किस हालत में हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो फटाफट भाग कर आ जाएंगे। एक बार फोन करता हूँ उन्हें, ऐसे नहीं हो सकता। कोई फोन ऑन नहीं कर रही, बट आना। प्लीज 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 प्लीज, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब इस चेहरे में मैं मुस्कुराहट लाऊंगा और अब
यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आनंद प्लीज, मैं ठीक हूं। तुमने मुझे धोखा दिया रेहान, मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। तुम्हें अपना दोस्त माना, सब कुछ शेयर किया, तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ जाके बता दिया। अपना दर्द शेयर किया था मैंने तुमसे, और ये हमारा सीक्रेट था, मेरा और तुम्हारा। आना मेरी, आना प्लीज रुको, आना मेरी बात सुनो, आना स्टॉप इट, लिसन मी, लिसन टू मी आना, स्टॉप इट। मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी थी? यस, मेरी रियली आना, मेरी मजबूरी थी। मैंने एम को सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता? प्लीज अपना ध्यान रखो बेमा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? नहीं हो रहे यार, तुम्हें कैसे अपना ख्याल रखूंगा? बेमा हम दोनों वही हैं जहाँ हम दोनों को होना चाहिए। रेहान मेरी बात, रेहान, रेहान। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मिस्टर रेहान खन्ना, मुझे छोड़ने का नतीजा। अनंत साहब के लिए कोई चिट्ठी लेके आए हैं? नाम तो होगा ना मैडम? चिट्ठी के अंदर नाम लिखा है, पढ़कर वो समझ जाएंगे। थैंक यू। किसी की पर्सनल चीजों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अनंत के लिए आई है चिट्ठी, अनंत को ही पढ़ने दो। ओके। प्लीज अपना ध्यान रखो बेमा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? नहीं हो रहे यार, तुम्हें कैसे अपना ख्याल रखूंगा? बेमा हम दोनों वही हैं जहाँ हम दोनों को होना चाहिए। रेहान मेरी बात, रेहान, रेहान। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मिस्टर रेहान खन्ना, मुझे छोड़ने का नतीजा। अनंत साहब के लिए कोई चिट्ठी लेके आए हैं? नाम तो होगा ना मैडम? चिट्ठी के अंदर नाम लिखा है, पढ़कर वो समझ जाएंगे। थैंक यू। किसी की पर्सनल चीजों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अनंत के लिए आई है चिट्ठी, अनंत को ही पढ़ने दो। ओके।